हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? और मैं हूं इंडिया फोटो एक्सपर्ट। तो गाइस, इंडिया फोटो एक्सपो की जो स्टार्टिंग मैं करने वाला हूं वो है हमारा फेवरेट, मेरा फेवरेट ब्रांड टैमरन। और अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूं वो है टैमरन का 1728 फॉर ई माउंट FX3 पे। और ये है हमारे सिद्धांत जी, टैमरन लेंस स्पेशलिस्ट। और सिद्धांत जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप बताएं। तो सिद्धांत जी को आपने पहले भी हमारी वीडियो में देखा होगा, इससे पहले जो फोटो वीडियो एशिया का जो फोटो फेयर था तो उसमें सिद्धांत जी आए थे। तो अभी हम सिद्धांत से जानेंगे कि क्या नए लेंसेज ऐड हुए हैं, ठीक है, और किस किस माउंट के लिए टैमरन के पास लेंसेज हैं, और टैमरन की USP क्या है जिसकी हेल्प से आप अपने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस को और भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। सो बेसिकली अभी मैं बात करूं टैमरन के प्रोडक्ट रेंज के बारे में, जो टैमरन है फॉर मिररलेस, निकॉन जी माउंट, सोनी ई माउंट, फिर फ्यूजी एक्स माउंट, इन तीनों के लिए लेंसेज बना रही है। इसके अलावा जो टैमरन है DSLR में भी निकॉन कैनन के लिए जो F माउंट और EF माउंट वाले जो लेंसेज है वो भी अभी बना रहा है, जिसको आप माउंट एडेप्टर के थ्रू भी मिरर लेस जो कैमराज है निकॉन और कैनन के, उस पर आप यूज कर सकते हो। टैमरन फोकस ऑन फ्यूचर, इट मीन्स कि वी आर फोकस ऑन फ्यूचर, जो कि मिरर लेस है। मोस्ट ऑफ द जो लेंसेज है वो मिरर लेस के लिए ही है। फुल फ्रेम की बात करें FX फॉर्मेट, तो 17mm टू 500mm का जो फोकल लेंथ है टैमरन ने अभी तक कवर कर लिया है। मतलब कि एक लेंस 17-28 आता है, ठीक है, जो कि 17mm से स्टार्ट है, और वाइल्ड लाइफ के लिए टैमरन एक लेंस बनाती है 150 टू 500mm। मतलब काफी 500 आपको काफी कॉम्पैक्ट साइज में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जो मिरर लेस पे सेगमेंट पे जो कस्टमर है वो क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि उन लोगों को जो इक्विपमेंट है उनका लाइट वेट और कॉम्पैक्ट चाहिए, तो लेंसेज भी उसी अनुसार डेवलप करना होगा। तो टैमरन का जो लेंसेज है आप देखोगे कि काफ़ी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। जैसे अभी आप 500 की बात कर रहे थे, 150 टू 500 ये लेंस है, ठीक है, इसका साइज देखो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और जूम करने पर भी जस्ट 90 डिग्री के रोटेशन पे जूम पे जूम इन पहुँच जाता है, ठीक है, और वेट भी इसका लाइट है काफ़ी। मीन्स तो उससे क्या होगा कि आपके कैमरे के अनुसार ये बिल्कुल लाइट वेट रहेगा, और आप कहीं भी जब फोटोग्राफी करने जा रहे हो, चाहे आप वेडिंग फोटोग्राफी करो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करो, तो आप इजीली हैंडल सूट कर सकते हो लॉन्ग टाइम के। अच्छा सिद्धांत जी, ये चीज़ बताइए, ऑटो फोकस सिस्टम टैमरन का बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? मैंने सुना है कि टैमरन बड़ा प्रिसाइजली R&D करता है ऑटो फोकस सिस्टम, जिनकी लेंस के अकॉर्डिंग इनकी मोटर चेंज हो जाती है। जी हाँ, एक्चुअली अब आप देखेंगे पांच हैं अभी ऑटो फोकस ड्राइव, डिफरेंट लेंसेज में डिफरेंट ऑटो फोकस ड्राइव दिखेंगे। तो वो अब जैसे अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे लेटेस्ट हमारा टैमरन का जो ऑटो फोकस ड्राइव है VXD है, ये लीनियर टाइप मोटर है, ठीक है, जो कि आज के डेट पे लोग ऑटो फोकस में वीडियो करना भी पसंद करते हैं, ठीक है। काफ़ी पहले क्या होता था, लोग वीडियो भी मैनुअली शूट करना पसंद करते थे, बट आज के डेट पे हर कोई ऑटो फोकस पे करना पसंद करता है। तो उसके लिए ये जो है स्टील के साथ साथ में वीडियो के लिए भी काफ़ी बेटर है, ये जो लीनियर टाइप मोटर है, तो ये काफी प्रिसाइजली फोकस करता है। पे फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग भी मोटर को चेंज करता है, सो दैट आपको एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। फोकल लेंथ हमें जैसे अगर वेडिंग फोटोग्राफर के लिए हमारे पास कौन कौन सी फोकल लेंथ देखने को मिल जाती है, वाइड की बात करें या फिर हम अगर किसी को पोर्ट्रेट लेना है तो उसके बारे में बताइए। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ, हम लोगों ने फ्यूजी माउंट के जो लेंसेज है वो माउंट कर रखे हैं, तो फ्यूजी में हमारे पास 4 लेंसेज हैं फ्यूजी के लिए। सबसे पहला है 150 टू 500, सेकेंड 18-300, और यहाँ पे आप देख रहे हो XT4 के ऊपर हमने माउंट कर रखा है 11-20mm, जो कि 2.8 है और कॉम्पैक्ट और लाइट वेट भी है। इसके अलावा 17-70mm F2.8, जो कि APS-C यूजर्स के लिए काफ़ी एक बेस्ट फोकल लेंथ हो जाता है, और कॉन्स्टेंट 2.8 कवर हो जाएंगे इस पर। जी फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे FX30 के साथ में हमने माउंट कर रखा है, जो कि एक सोनी का सीने कैमरा है क्रॉप बॉडी, तो इसके साथ में हमने 11-20 माउंट कर रखा है, यह है 18-300 और 72-70mm जो कि मैंने फ्यूजी में दिखाया था, ये सोनी हमारे APS-C सीरीज के लाइनअप सेगमेंट है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल फ्रेम, तो 20mm
से 20, 24 mm, 35 mm ये प्राइम लेंसेज आते हैं 2.8 में। उसके बाद अगर वाइड एंगल जूम लेंस की बात करें तो 17-28 जो कि आप भी यूज़ कर रहे हो, 17-28। उसके अलावा जो लेटेस्ट लॉन्च है लास्ट ईयर, टैमरो ने एक न्यू फोकल लेंथ डेवलप किया है 20 mm से 40 mm पर। अब आप ये देख रहे हैं काफ़ी यूनिक फोकल लेंथ आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आप वाइड के साथ साथ एक स्टैंडर्ड फोकल लेंथ पे पहुंच पा रहे हो और सारा काम आप कर पाओगे। ठीक है, तो इस एक लेंस से आपका सारा नीड पूरा हो जाएगा और वो भी कॉन्स्टेंट 2.8 अपर्चर का। तो गाइज मैंने इसका वीडियो बनाया है, बहुत ही फंटास्टिक लेंस है और आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसको परचेस करना चाहते हैं तो सिद्धांत जी का नंबर मैंने इसमें डाल रखा है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू। और उसके बाद कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिनको F4 लेंसेज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी देखते हुए टैमरॉन ने लास्ट ईयर इस लेंस को लॉन्च किया 17-50 mm, 50 mm तक एक्सटेंड कर दिया और ये F4 का लेंस है फॉर FX फॉर्मेट, फुल फ्रेम के लिए। फुल फ्रेम के लिए फिर हम लोग आते हैं 28-75 जो कि हमारा टैमरॉन का हीरो मॉडल रहा है और जिसका G2 वर्जन अभी 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। फॉर की एक इस लेंस से, हाँ ये स्टैंडर्ड फोकल लेंथ जूम लेंस है, तो इससे क्या है, एक वेडिंग फोटोग्राफर हो या फिर फैशन फोटोग्राफर हो तो वो भी इससे पोर्ट्रेट अच्छे निकाल सकता है। 2.8 का है लेंस ये, 70-180 mm जो कि टैमरॉन ने लॉन्च किया था, उसका भी G2 वर्जन आ गया है, ये भी काफ़ी लाइट वेट है, 35-150 mm। इसका ये भी काफी एक यूनिक फोकल लेंथ है जो अभी तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया जी। तो थोड़ा सा सुल्तान जी इसके बारे में बताइए। तो बेसिकली क्या है, आज के डेट पे कई सारे लोग हैं ना मल्टीपल लेंसेज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है उनका। ठीक है, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए टैमरॉन ने एक फोकल लेंथ डेवलप किया 35-150 mm। इस लेंस में उनको कई सारे फोकल लेंथ कवर हो जा रहे हैं, 35 mm, 50 mm, 85 mm जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इवन जो 7200 यूजर्स हैं वो भी 150 mm फोकल लेंथ पर अपना काम चला सकते हैं, मतलब वन गो लेंस है। और आपको टू अपर्चर का आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। खासियत ये है कि आप ये लेंस जो है F2 से स्टार्ट होता है, तो आप 35 पे जब रखोगे तो F2 होता है, वेरिएबल है तो बहुत ज़्यादा अपर्चर बढ़ने वाला नहीं, 2.8 मैक्सिमम 0.8 का आपको डिफरेंस नजर आएगा। हाँ, और एक चीज़ क्या है, आप यहाँ पे देख रहे होगे एक सी टाइप पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे कस्टम स्विच है जिसमें कि 1, 2, 3 मोड दिया हुआ है और ये फोकस सेट बटन है जो कि 3 बटन्स है, तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार जो भी फीचर्स आप इस कस्टम स्विच के ऊपर कस्टमाइज करोगे आप इन तीनों में से कोई भी बटन यूज़ करके उसको यूज ले सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये सी टाइप पोर्ट इसलिए दिया है कि टैमरॉन का एक लेंस यूटिलिटी ऐप जो आपने भी ट्राई किया था, तो उसके थ्रू हम C2C टाइप केबल से कनेक्ट करके इसको अपडेट कर सकते हैं और इसके बहुत सारे यूज ले सकते हैं जी। अगर हम बात करें न्यू लॉन्च की ठीक है, तो जो हमारा हीरो मॉडल रहा है 2875 सोनी के लिए, उस वो सेम निकॉन जी माउंट में टैमरॉन ने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, ये इसका लुक है। तो गाइस ये आपको अभी कहीं और नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल है, इसकी भी जल्दी हम वीडियो लेके आएंगे जी जरूर। तो आपको जो ई माउंट की सारे फीचर्स परफॉर्मेंस वाइज सब आपको अब जेड माउंट में भी मिलने वाली है। हाँ, जैसे कि इससे पहले 150-500, 7300, 35-150 जो अभी सोनी के लिए दिखा रहा था, ये तीन लेंस भी निकॉन जी माउंट में ऑलरेडी टैमरॉन ने लॉन्च किया हुआ है। ये चौथा लेंस है 28-75 mm 2.8, और ये जो लेंस है ये भी कस्टमाइजेशन वाले जो फीचर हैं आप देख रहे होंगे, इसमें भी सी टाइप पोर्ट है और एक फोकस सेट बटन है। ठीक है, तो इसको भी हम फुल कस्टमाइज कर सकते हैं और इसमें भी VXT मोटर है दिया गया जो कि लीनियर टाइप मोटर है जो कि काफ़ी प्रिसाइज फोकसिंग करता है फोटो एंड वीडियो दोनों में। अच्छा सर जी एक चीज़ बताइए, जो अब बहुत हाई मेगापिक्सल कैमरेज आ रहे हैं जैसे सोनी का आपका 61 मेगापिक्सल हो गया, ठीक है, तो उस उतने मेगापिक्सल के लिए भी ये जो लेंसेज हैं वो कंपैटिबल हैं? जी बिल्कुल, ये सारे लेंसेज जो हैं ये अभी करेंट मार्केट में जो भी अवेलेबल कैमराज हैं प्लस फ्यूचर को भी ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर में क्या नियर बाय फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आना
आने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेंस को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे अभी भी कई सारे हमारे पुराने DSLR वाले लेंसेज हैं, उसके लिए हम लोग फर्मवेयर अपडेट करके कस्टमर को दिए हैं ताकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो मिररलेस वाले सेगमेंट के लेंसेज हैं उसके भी वो फुल कंपेटिबिलिटी के साथ उसको यूज़ कर पाएँ। तो इस चीज़ को टैमरॉन काफ़ी ध्यान में रखता है कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ कर पाएँ और उनको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। टैमरॉन के सुपर टेलीफोटो लेंसेज भी आते हैं फॉर बर्डिंग एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो उसमें क्या क्या रेंज देखने को मिलती है प्लीज़ वो भी बताइए, और किस किस माउंट के लिए अवेलेबल है? जी अभी जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे दिखाया था जैसे 155-100 mm, ये मिरर लेस की अगर बात कर रहे हैं कि सुपर टेलीफोटो में है, ये सोनी ई माउंट, फ्यूजी फिल्म एक्स माउंट और निकॉन जी माउंट, तीनों मिरर लेस पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सोनी ई माउंट के लिए 50-400 mm, ये भी एक काफ़ी यूनिक फोकल लेंथ आपको देखने को मिलेगा। 50 mm जो कि ज़्यादातर लोग स्टैंडर्ड फोकल लेंथ के लिए उसको जानते हैं, तो वहाँ से लेके 400 mm तक वो कवर कर पा रहे हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज ये भी होगा कि आपको मिनिमम फोकल डिस्टेंस भी मिल जाता है जो कि सुपर टेलीफोटो में नहीं मिलता। मैक्रो भी है तो अच्छा, हाफ मैक्रो। और इसके अलावा क्या है, जैसे सफारी में आप जाते हो तो सफारी में क्या होता है ना, जीप जो है बहुत क्लोज पहुंच जाता है शेर का, तो उस केस में क्या होता है, आप ज्यादा जूम वाले लेंसेज लेके जाते हो ना, तो आपको अनमाउंट करके दूसरा लेंस माउंट करना होता है, जाना पड़ता या दो कैमरे कैरी करने होते हैं डिफरेंट लेंसेज के साथ। बट इस लेंस को लेके आप जाओगे तो 50 mm पे आप क्लोज से भी ले सकते हो शॉट्स, और 400 पे दूर के चीजों का भी आप फोटोग्राफी कर सकते हो, तो ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगा इस लेंस पे। और इसके बाद हम बात करें स्टार्टिंग रेंज की, तो 7300 mm है, ये सोनी ई माउंट और निकॉन जी माउंट दोनों के लिए अवेलेबल। प्लस DSLR के लिए अगर हम बात करें तो निकॉन और कैनन DSLR में 100-400 mm और 150-600 mm फोकल लेंथ अवेलेबल है। तो ये हमारा टेलीफोटो फोकल लेंथ का एक सीरीज है। अभी हम लोग मिररलेस के लिए ज़्यादातर बात किए, ठीक है, बट स्टिल जो कैमरॉन है DSLR यूजर्स का भी ध्यान रखा हुआ है, और DSLR यूजर्स के लिए भी कई सारे फोकल लेंस अवेलेबल है, लाइक 35 mm, 1.4, 24-70 mm, 100-400, 150-600, 70-200, 2.8, इस टाइप के फोकल लेंथ अभी भी कैमरॉन जो है DSLR वालों के लिए बना रहे हैं। और ये सारे जो लेंसेज हैं माउंट एडेप्टर के थ्रू आप निकॉन और कैनन के मिररलेस जो कैमरास हैं उन पे भी यूज कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम टैमरॉन। अब नेक्स्ट ब्रांड क्या होने वाला है?